Okay, a very good evening to one and all. So today we will start with question number 40 because we have done the discussion yesterday till question number 39, right? So today is the time to start from question number 40. So this question was somewhat a different variety of question because not a lot of people keep in mind the national parks which are in Northeast, to be very frank, right? So we have to first go through these national parks in the detail because this is a new sort of information which I observe, because previously never ever from the Northeast the national park have been highlighted. So teacher here played very smartly. He targeted the section where the students are like a bit lazy, like they do not put attention over the Northeast. So in one column we have been given the national parks, another column we have been given states. It should not be stages, it should be states, right? There was a mistake, typo. So let's go to one by one to these national parks, because they have been some of the new addition, like this Natangi National Park in Nagaland was in 2022, and then this other one which was there. So there are like certain new additions, right? This Kebul Lamjo National Park, right? This was also there, but though it is an older one, but the introduction of the species were the later one. Then Dampa Tiger Reserve, right? That was in 2019 to inculcate the leopold population. हाँ, इटांकी कह रहा हूँ मैं भी, ठीक है, वो बोलने का है, कुछ लोग इसको लिखते भी वैसे हैं जैसे वो लिखा हुआ है ना, ठीक है। हाँ देखिए, इंटांकी कह लीजिए, वहां पर लिखा गलत है, बट वो के पहले आना था। अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो वहां पे के पहले ही है हर जगह। मैंने बहुत जगह चेक किया, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि ये कैसे गलत हो सकता है एग्जामिनर, बट भाई एग्जामिनर को राइट है मिस्टेक करने का, स्टूडेंट को नहीं है वहां पे। Anyways, let's go through the detail, right? So पहला नेशनल पार्क हम देखते हैं बलकराम, ये जो दिखा ना, बलपक्रम नेशनल पार्क। तो बलपक्रम नेशनल पार्क जो है वो आपका मेघालय में है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई इट इज एसोसिएटेड इन द स्टेट्स ऑफ मेघालय। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से मेरे हिसाब से पुट होता है वो फ्लोरा और फौना का होता है मोस्टली, कि की फ्लोरा की फौना कौन सा है, कौन से प्लांट्स और एनिमल। तो बलपक्रम नेशनल पार्क जो है इट इज लोकेटेड इन द पार्क ऑफ साउथ ऑफ गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मेघालय में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। किस स्टेट से बिलोंग करता है बलपक्रम? मेघालय से। ये आपको एक बात पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। देन ऑल्टीट्यूड वगैरह तो चल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव पुट अप दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1987 एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर बार्किंग डियर, एशियन गोल्डन कैट, बंगाल टाइगर, मार्बल कैट, वाइल्ड वाटर बुफेलो, रेड पांडा, इंडियन एलिफेंट, राइट, है ना। और बलपक्रम का मीनिंग क्या है? लैंड ऑफ द इटर्नल विंड अकॉर्डिंग टू द मिथ ऑफ द गारो पीपल, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी है, कि यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज है। वेजिटेशन में बात करें तो सब ट्रॉपिकल हैं, ग्रासेस हैं, बैम्बू फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री हैं, कार्निवोरस प्लांट हैं, लाइक निपेंथिस मिलेगा आपको, पिचर प्लांट है ना, निपेंथिस कज़ाकियाना, ड्रोसेरा मिलेगा, संड्यू मिलेगा, ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट है। स्पीशीज रिकॉर्ड इंक्लूडिंग इंडियन एलिफेंट, ठीक है, चीतल डियर, वाइल्ड वाटर बुफेलो, रेड पांडा, बंगाल टाइगर एंड मार्बल्ड कैट। तो स्पीशीज का थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि स्पीशीज रिवर्ट हो सकती है। ये तो एक छोटी इंफॉर्मेशन है, पता चल गया कि बलपक्रम जो है मेघालय में, लेकिन स्पीशीज आपसे रिवर्ट हो सकती है कि ये स्पीशीज कहाँ की। एक तो ये हुआ। एंड द सेकंड वन इज दंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है, दंपा टाइगर रिजर्व जो है आपका, दिस इंफॉर्मेशन विच हैव बीन मेंशन। सो द दंपा टाइगर रिजर्व इज अ टाइगर रिजर्व वो वेस्टर्न मिजोरम। तो दंपा जो है वो मिजोरम में है, ठीक है।
तो इंडिया इज कवर कैन अबाउट एरिया 500 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया इसका, ठीक है। एंड इट वाज डिक्लेयर एज अ टाइगर रिजर्व 1994 एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर का भी ये पार्ट रहा है जो दम्पा टाइगर रिजर्व है मिजोरम का, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है दम्पा टाइगर रिजर्व, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। और डाइवर्स फ्लोरा है फॉरेस्ट में, कौन से हैं कि आपकी इंटरपोलेटेड विद द स्टीप परस्पिशियस हिल्स, डीप वैलीज, जंगल स्ट्रीम, रिपिंग रिवर्स, नेचुरल सॉल्ट लेक्स, ये सारे प्लांट। दम्पा टाइगर रिजर्व इज नॉट इजिली एसेसिबल अनलाइक अदर पार्क वेयर यू कैन राइड ऑन अ फोर व्हीलर, बट वन हैज टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कोई रोड नहीं है इंटरनली कि आप जाएंगे लेके गाड़ी अपनी और चले गए, वैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि हिली एरिया में है, ठीक है। देन इन द टाइगर सेंसस 2018 नो टाइगर वॉज फाउंड इन द रिजर्व। अ टाइगर वॉज स्पॉटेड रिसेंटली आफ्टर 7 ईयर्स। रेयर फ्लोरल स्पीसीज हैव बीन फाउंड इन डम्पा टाइगर रिजर्व इंक्लूडिंग रेयर जिंजर स्पीशीज, ग्लोबा स्पैटुलाटा एंड हेमिकोरिस। ये जो स्पीशीज है थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। एनिमल स्पीशीज की जब बात करेंगे आप तो लीपर्ड हो गया, स्लॉथ बियर, गौर, सिरू, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, होलोग गिब्बन, राइट, है ना, फेरीज, लीफ मंकी। तो कुछ कुछ स्पीशीज ऐसी है, ग्रे लंगूर, रेसस मैकॉक एंड स्लो लॉरिस। फोर बंगाल टाइगर वाज रिकॉर्डेड इन 1994 बट नन वर रिकॉर्डेड इन 2019। ये स्टेटस है इसका। दम्पा टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ द हाईएस्ट क्लाउडेड लेपर्ड पॉपुलेशन इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो लेपर्ड के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है। 2012 की अगर बात करें तो टाइगर प्रेजेंस वाज कंफर्म थ्रू द स्कैट सैंपल एंड नो टाइगर वॉज रिकॉर्डेड इन दम्पा टाइगर रिजर्व इन ईयर 1819। हाउएवर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो NTCA है आपकी, दैट टाइगर फ्रॉम द असम काजीरंगा नेशनल पार्क इंट्रोड्यूस टू दम्पा, तो वहां से लाके एक टाइगर यहाँ छोड़ा गया। ये बस एक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है थोड़ी सी। मेनली तो फ्लोरा फौना का ही है जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन अगर दोबारा से करना है सेलेक्ट तो वो फिट बैठता है। फिर जो जिसपे डिबेट हो रही है आप भी चेक कर लीजिएगा नेम, है ना, एनतांगी नेशनल पार्क ही है या फिर टांगकी नेशनल पार्क ही है, क्योंकि एन यहाँ पे साइलेंट रहेगा। तो मैंने जो पढ़ा मुझे तो ये लगा कि टीचर ने शायद वहां पे गलत लिख दिया या टाइप गलत हो गया उससे, या जिसने भी एग्जाम पेपर सेट किया, मुझे ऐसा लगा कि उसने थोड़ा सा टाइप गलत कर दिया है। आप फिर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे तो श्योर है, बट स्टिल अगर आपको कुछ इशू दिखे, क्योंकि उनकी गलती गलती नहीं मानी जाती ना, वो तो ड्रॉप कर देंगे, आपकी गलती गलती मानी जाएगी कि आपने गलत पढ़ा। ये हमने देखा है 12 साल के इतिहास में एंटी, अब तो फिर भी थोड़ी सुनवाई है, हम उसको रेज करते हैं क्वेश्चन को तो वो ड्रॉप हो जाता है, पहले ये भी सुनवाई नहीं थी, ठीक है। तो ये जो भी तांगी नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है आपका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड में, इसमें ये अच्छी बात है, ये भी एन से स्टार्ट होता है, नागालैंड भी एन से स्टार्ट होता है, ठीक है। नागालैंड में भी दो एन आते हैं, इसमें भी दो एन आते हैं, तो एन को साइलेंट रखें। और टांगकी नेशनल पार्क, ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डिजिग्नेटेड नेशनल पार्क इन 1993। अमंग द स्पीशीज दैट इनहेबिट द पार्क आर रेयर हुलॉग गिब्बन, हुलॉग गिब्बन यहाँ का है, गोल्डन लंगूर है, हॉर्नबिल है, ठीक है, एशियन पाम सीवेट है, ब्लैक स्टॉर्क है, टाइगर है, व्हाइट ब्रेस्टेड किंग फिशर बर्ड है, मॉनिटर लिजर्ड है, बड़ी बड़ी जो होती है, पाइथन है, स्लॉथ बियर है, ठीक है। इन 2022 एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइस जो आपके कछुए हैं, है ना, मोनोरिया इमिस इसका साइंटिफिक नेम होता है, वर इंट्रोड्यूस इनटू एनतांगी नेशनल पार्क इन कोलैबोरेशन विद द टर्टल सर्वाइवल लाइंस एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो आप ये कह सकते हैं कि री इंट्रोडक्शन हुआ है टर्टल का कंजर्वेशन के लिए। द नेम एनतांगी इज डिराइव फ्रॉम द जिम डेलेट ऑफ जिलिंगरोंग नागास। तो जो नागास वहां पे रहते हैं, जो ट्राइब्स है नागास की, जो ट्राइब्स है उन्होंने इसको ये नाम दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो है नागालैंड में। 40th क्वेश्चन चल रहा है जी, अभी 40 हुए हैं, 39 हो चुके हैं, ठीक है, सारे क्लाउड पे हैं आपके, तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर ऑल्सो। फिर उसके बाद कीबू लामजो नेशनल पार्क जो मणिपुर में है, कीबू लामजो नेशनल पार्क, ठीक है। तो कीबू लामजो नेशनल पार्क इन मणिपुर, ये ध्यान रखना है आपको, ये बेसिकली लिपाकी लैम पार्क ये लिखा हुआ है,
ठीक है ना। तो बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, उधर ये पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में है, 40 किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। और एक बात मजे की है कि लोकताक लेक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का, एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकताक लेक, बहुत फेमस है मणिपुर में, तो लोकताक लेक इसका पार्ट है। एंड इट इज करेंटली अंडर द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को प्लान कर रहा है इसको डालने की, अंडर द टाइटल केबुलो लैमजो कंजर्वेशन एरिया, KLCA इसका नाम रखा गया, कवरिंग द बफर ऑफ द लोकताक लेक। लोकताक लेक जो 140 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है, उसको इसमें रखा गया है, और फ्लोटिंग में इसी का नाम आता है, ठीक है। द नेशनल पार्क इज कैरेक्टराइज बाय फ्लोटिंग डिकम्पोज प्लांट मटेरियल, तो तैरता हुआ है ये, लोकली कॉल्ड फुमडी कहते हैं उसको, एंड इट वाज क्रिएटेड 1966 एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एंडेंजर्ड एल्स डियर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, एल्स डियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको सर्वस LDLD कहते हैं, ठीक है। और 1997 में इट वाज द गेजेटेड एज नेशनल पार्क, 77 में इसको दर्जा मिला। द पार्क प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ द मॉइस्ट सेमी वेजिटेरियन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड हैज रिच अमलगम ऑफ एक्वेटिक वेटलैंड एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो मिक्स टाइप का सिस्टम यहाँ मिलेगा। द ग्रास लैंड स्ट्रक्चर ऑफ द पार्क इज डिवाइडेड इंटू 3 जोन, 3 तरह के जोन वहां पर डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लोरा फोना की अगर बात करें, जैसे फ्लोरा फ्लोरा मैंने, एवियन फोना मैंने सब मेंशन कर दिया यहाँ पे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको कभी मिल सकता है स्पीशीज के ऊपर कि भाई जो ये वाला नेशनल पार्क है कौन सी स्पीशीज है। तो एक्वेटिक फ्लोरा मतलब की अगर बात करें, प्लांट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जिजानिया लैटिफोलिया, जिसको वाइल्ड राइस कहते हो आप, उसके बाद ट्राइपिडम बेंगलेंसिस, ठीक है ना, फिर डायोस्कोरा बुल्बिफेरा, उमलिया जिसको कहते हैं कॉमन नेम, बहुत सारे प्लांट यहाँ पे इस तरह के हैं। फिर अगर मैं फोना की बात करूँ, थोड़ी सी एनिमल की, दो चार आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ब्लू क्रेस्टेड लिजर्ड, एक अलग तरह की लिजर्ड है, ब्लू क्रेस्टेड लिजर्ड, लाइट फेज एशियन रॉक पायथन, इस तरह का अजगर मिलता है वहां पे। उसके अलावा मैमल्स में रिपोर्टेड द हॉग डियर इज वेरी कॉमन, वाइल्ड बोर इज वेरी कॉमन देयर, ठीक है, इंडियन सिवेट वेरी कॉमन, ठीक है, फॉक्स जंगल कैट वेरी कॉमन, एशियन गोल्डन कैट वेरी कॉमन, बे बैम्बू रैट, मस्क श्रू, ठीक है, कॉमन शू, फ्लाइंग फॉक्स एंड सांबर, ये बड़े मिलते हैं वहां पे। फिशेस का भी जिक्र हुआ है वहां पे, ठीक है, तो ये चाना स्ट्रियाटा, चाइना पंक्टेटस एंड कॉमन कार्प, ये सारी फिशेस बहुत वहां पे कॉमन है, ठीक है। एम्फीबियन का भी कुछ कुछ जिक्र हुआ है, पर इतना हमें नहीं इशू रखना है, ठीक है ना, पर जो पढ़ना चाहे थोड़ा पढ़ सकते हैं। एवियन फौना ये भी ध्यान रखना है, कुछ कुछ इस तरह की बर्ड भी हैं वहां पे जो बहुत एक्सक्लूसिव है उसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इसीलिए एवियन फौना को इतनी तवज्जो दी जा रही है इसमें, कि कुछ कुछ बर्ड्स भी हैं, जैसे प्रोमिनेंट बर्ड स्पीशीज रिकॉर्ड इन द पार्क आर बोथ माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट, कुछ आते भी हैं सीजन में और कुछ वहीं के भी हैं, जैसे हिमालयन पाइड किंगफिशर, ये वहीं मिलेगा आपको, ब्लैक काइट है ना, लेसर स्काई लार्क, नॉर्दर्न हिल मान्या मैना, ठीक है, नॉर्दर्न हिल मैना, इंडियन पाइन मैना, ये सारे मतलब एक्सक्लूसिव बर्ड हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडियन ब्लैक डॉग्स, ठीक है, लेसर ईस्टर्न जंगल क्रॉ, येलो हेडेड वैगटेल, स्पॉटेड बिल्डक, ये बड़ा अलग तरह का जीव है ये भी, है ना। उसके बाद ब्लू विंग टील, मतलब बहुत एक्सक्लूसिव है, लोग जाते हैं बकायदा जो काम करते हैं ऑर्निथोलॉजी में, ठीक है, रूडी शेल डक, ठीक है, और थ्रेटन हुडेड क्रेन, ठीक है। उसके बाद बर्मी सारस, सारस क्रेन, ये सब, इंडियन वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन एंड क्रिम्सन ब्रेस्टेड पाइड वुड पैकर, ठीक है, जो वुड में होल बना के रहता है, तो ये सब एक्सक्लूसिव है, इसीलिए इसको पूछा गया, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप का टारगेट किया जाता है। हालांकि उसने क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा कि भाई सिर्फ आप स्टेट ही बता दो चलो, बट जनरली ये स्टेट्स टारगेट होते नहीं है, तो अगर हुए हैं तो फ्यूचर में कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर वेरिएशन हो तो यू शुड बी ऑल अवेयर अबाउट इट। अब इनको आप जब मैच करने जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, नाउ द थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। मैं तो ये एंटेंगी याद रखूंगा ज्यादातर, कि नागालैंड में है, ठीक है, तो
तो सी तो मुझे पता चल गया फोर्थ पे है, ठीक है, ये मेरे को याद करना इजी रहेगा। तो सी जब मेरे को पता चल गया कि जी सी तो फोर्थ के साथ जा रहा है, ठीक है, तो सी बिलोंग्स टू फोर। अब जैसे ही आप एनटेंगी नेशनल पार्क देखोगे तो सी फोर का एक ही ऑप्शन है खाली, सेकंड, और यही करेक्ट आपका आंसर है। ए चला जाएगा टू के पास आपका, बलपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में हो गया जी साहब। उसके बाद बी थ्री हो गया आपका, दम्पा नेशनल पार्क मिजोरम, ठीक है, और कीबू कीबू नेशनल पार्क जो है, जो डी है आपका, दैट इज मणिपुर जो अभी हमने पढ़ा। तो बस यही इसकी मैचिंग है और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। तो उसने तो ऑप्शन भी आसानी दिए थे, अगर किसी को एक भी पता होता तो दे कुड हैव गॉट द करेक्ट चॉइस, ठीक है, सी फोर है ना। तो बलपक्रम नेशनल पार्क आपका मेघालय में हो गया, दम्पा नेशनल पार्क जो है आपका मिजोरम, एंड देन इंतंगी नेशनल पार्क जो है आपका, ठीक है, दैट इज नागालैंड, और कीबू नेशनल पार्क मणिपुर। आई होप आपको समझ में आएगा कि इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन के लिए। क्रॉस रेफर करने का यही फायदा होता है कि हाउ टू डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन। क्लियर है सबको कि क्या पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं वाइल रीडिंग इट? फ्लोरा फौना और स्टेट का नेम, ठीक है। फ्लोरा फौना बहुत अप्रोप्रिएट चीज है इन चीजों में ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये दोबारा रिपीट हुआ है मार्च के बाद, मैंने लिख भी दिया, दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम बुकलेट टू सॉइल, सॉइल से आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम। रिपीट हो चुका है, मार्च में भी आया था और दोबारा से आ गया है ये, ठीक है, तो कुछ इसमें नया हमें दिखा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं फटाफट से, क्या कहता है ये, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको पिक करनी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉस्फोरस अकर्स नेचुरली इन रॉक्स एंड रिलीज इन द वाटर बाय वेदरिंग। बिल्कुल ठीक बात है, ये बुकलेट में भी लिखा हुआ है कि मिनरल और रॉक की वेदरिंग इसका मेन सोर्स होता है, बाय हाउ इट कम्स इन टू द आपका इन्वायरमेंट, एंड इट्स अ सेडिमेंट्री साइकिल, क्योंकि गैशियस कंपोनेंट कोई होता नहीं। दूसरा आपको कहता है फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज ऑर्थोफॉस्फेट एंड ऑर्गेनिकली बाउंड फॉस्फेट इन वाटर। बिल्कुल सही बात है, जो H3PO4 है, HPO4 माइनस है, H2PO4 टू माइनस है, ये ऑर्थोफॉस्फेट मैंने बताया था, डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, मोनोहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये तीन हुए, और ऑर्गेनिकली ये फॉस्फेट जो है वाटर में बाउंड भी रहते हैं, ये पीएच के साथ हमने रिलेशनशिप भी बताया था जो पढ़ाया गया है उसके बाद, बुकलेट में भी मेंशन है। थर्ड कहता है डिजोल्व इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इज ऑल्सो रेफर टू एज सॉल्युबल रिएक्टिव फॉस्फोरस। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो डिजोल्व हो जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो मिनरल रॉक से आया होगा, वो ही बाद में जाके सॉल्युबल रिएक्टिव फॉस्फोरस बनता है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, ठीक है। ये बताया भी गया था आपको कि एसिडिक में जिसमें एच प्लस आयन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा रहता है, तो एच टू पी ओ फोर माइनस ज्यादा रहता है एसिडिक में, और एच पी ओ फोर माइनस अल्कलाइन पीएच में ज्यादा रहता है, न्यूट्रल पे दोनों ही मिलते हैं। देन आपको ये बताया गया था कि जो फास्फोरेट है दैट इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन एक्वेटिक सिस्टम। एक्वेटिक सिस्टम कहने का बात क्या है, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक सिस्टम। फास्फोरस कैसे एक्वेटिक सिस्टम में लिमिटिंग होता है, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में कौन से आ जाएंगे, लेक, पॉन्ड, रिवर, ये सब आएंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना। एक किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि इसने तो सिर्फ एक्वेटिक सिस्टम लिखा है, भाई इसका मतलब है टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक सिस्टम, ठीक है, ये मरीन की बात नहीं कर रहा, मरीन में नाइट्रेट लिमिटिंग होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अरे भैया सबसे, हाँ, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट नहीं किरण, आप कुछ भी रैंडमली मत बोलो, ऑर्गेनोफॉस्फेट इज मोर टॉक्सिक फॉलोड बाय कार्बामेट एंड देन ऑर्गेनोक्लोरीन। हाँ ठीक है, रैंडमली मतलब कोई भी चीज बीच में जो टॉपिक चल रहा है उससे डेविएट मत, तो आप चले गए पेस्टिसाइड पे घूम के। नेक्स्ट, इट इज अ डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन जू प्लैंक्टन फॉस्फोरस, बैक्टीरियल फॉस्फोरस, एल्गी फॉस्फोरस एंड इनऑर्गेनिक, क्योंकि ये सारे एक ही जगह पे होते हैं, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे भाई उसके अंदर की जू प्लैंक्टन में जो फॉस्फोरस है वो कौन सा है, बैक्टीरिया में कौन सा है, ठीक है, एल्गी में कौन सा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस कौन सा है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट ठीक है, ये क्वेश्चन मार्च में भी आया था फिर दोबारा उठ के आ गया, तो ऑल द स्टेटमेंट विच हैव बीन मेंशन हियर आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई ओनली, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप टफनेस की डिग्री में ना रखें तो अच्छा है। इट्स अ स्कोरिंग स्कोरिंग चैंप। क्लियर है? अब देखो, हमने वो मेंशन भी कर दिए सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा था, अभी पढ़ा रहा था। सारे हमने मेंशन किए हैं कि नेचुरल फास्फोरस साइकिल कैसे चलती है, आपकी जो फास्फेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट फास्फेट एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, ऑर्थो फास्फेट, मेटाफास्फेट और ऑर्गेनिकली बाउंड फास्फेट, सब हमने मेंशन किया है यहाँ पे। तो उनकी टाइप्स आपको पढ़ने हैं। ह्यूमन इन्फ्लुएंस क्या है फॉस्फेट साइकिल में, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वाई इज फॉस्फोरस लिमिटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, ये तो हमने बताया भी हो आपको कि डीएनए आरएनए में होता है, बोन्स में होता है। ठीक है, पॉइंट ई पे, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट ई पे एलैबोरेट हम कर लेते हैं। देखो, पॉइंट ई क्या कहता है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन जू प्लैंकटॉन फॉस्फोरस, बैक्टीरियल फॉस्फोरस, एल्गल फॉस्फोरस एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। देखो, अब क्या है कि आप ये नहीं बता सकते ना कि कौन सा बैक्टीरिया से आया है, कौन सा जू प्लैंकटॉन से आया, कौन सा एल्गी से आया, कौन सा इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है, क्योंकि सारे के सारे जो है फॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मोस्टली इनके डीएनए और आरएनए में ये मिलता है, तो वहां पे तो H3PO फॉर्म होगी ना। ठीक है, वहां पे H3PO4 होगी। ठीक है, दीपिका कह रही है सर प्लीज शो 40th क्वेश्चन। अरे भैया, रिकॉर्ड से कर लेना, आप कितना पीछे ले जाओगे, थोड़ा ये भी तो समझो आप। लो, ले गए पीछे 40th क्वेश्चन। अब दोबारा रिपीट थोड़े करेंगे उसको, तो वो हो गया, रिकॉर्ड है आपके पास, एक क्वेश्चन चेक कर लेना बोल के। ठीक है, मैं फिर भी दोबारा मिला देता हूँ, आप कह रहे हो तो। ठीक है, तो ये जो है आपका बलपक्रम नेशनल पार्क, ये मेघालय में है डियर। ठीक है, उसके बाद आपका जो बी है दम्पा नेशनल पार्क, वो मिजोरम में है। इन तांगी नेशनल पार्क जो है थर्ड, सी दैट इज इन नागालैंड, और फोर्थ जो है कीबू नेशनल पार्क, वो मणिपुर में है आपका। दीपिका को क्लियर है? ये आपके रिकॉर्ड में है अवेलेबल बॉस, ये रिकॉर्ड में आपको मिलेगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, जो भी अगर एक आध छूट जाता है तो बाद में जो क्लास अपलोड हो जाती है रात को, आप करो आराम से, आप ही के लिए, मेरे लिए थोड़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 भी हमारा हो गया। अगला जो मैंने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ होता है फॉस्फोरस, नेचुरल फॉस्फोरस साइकिल क्या है, ह्यूमन क्या है, ये ध्यान रखना है कि ये सेडिमेंट्री साइकिल होती है। ठीक है, ग्वाइनो डिपॉजिट्स होते हैं, वही सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्रैब साइकिल से कैसे लिंक्ड है। ठीक है ना, की फैक्टर होता है फॉस्फेट इसके अंदर क्रैब साइकिल में, ये भी ध्यान रखना है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, देखो ये मेंशन भी है ना लास्ट में, फॉस्फेट विल स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन एक्वेटिक प्लांट विच प्रोवाइड फूड फॉर द लार्ज ऑर्गेनिज्म जैसे जू प्लैंक्टन, फिश, ह्यूमन मैमल्स। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, कि नरिशमेंट कहाँ से आया, टेरेस्ट्रियल जो वाटर बॉडीज होंगी चाहे वो रिवर हो, पॉन्ड हो, लेक हो, उनमें लिमिटिंग होगा। ठीक है, मरीन में नाइट्रेट लिमिटिंग होगा, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है। एल्गल ब्लूम हो जाती है, यूट्रोफिकेशन होता है उसमें, फिर ये हैरविस लेक पेनसिल्वेनिया यूएसए का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूरी पूरी केस स्टडी दी हुई है। तो ये पॉइंट आपको इसलिए लाए गए हैं वहां पे क्योंकि जो मेंशन किया है चीज की बैक्टीरिया के अंदर कैसे, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर कैसे वेरी करता है, वो आपको पढ़ना है, तो उसको मेंशन किया गया है इसीलिए। तो ये चीजें आप पढ़ें बिकॉज टीचर इज नाउ डिगिंग द डीपर डिटेल्स कि बैक्टीरिया में कैसे, एल्गी में कैसे, तो ये आपको पढ़ना है। ऊपर से वो खुश नहीं है, ऊपर की जो चीजें हैं उनको पूछ के वो खुश नहीं है, इसका मतलब दिस शोज दैट, तो वो थोड़ा डीप पूछेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्या पढ़ना है उसमें से। सोल्यूशन बनाते समय यही मेरा एम्फेसिस होता है दैट हाउ द माइंड विल रोटेट नेक्स्ट टाइम इफ दे कम टू द सेम क्लॉक, और वो क्लिक करता है बहुत बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अगर मैं कहूं कि बहुत बार रिपीट हो चुका है और आपकी बुकलेट से है, वाटर वाले चैप्टर से, जहां पे स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक, और एक क्वेश्चन बहुत साल पहले ट्रॉपिकल और टेम्परेट लेक पे आया था जहां पे स्ट्रैटिफिकेशन की बात हुई थी। ठीक है, तो वही एक सेम उसी थीम लाइन पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूनिट वाटर। ठीक है, जहां पे स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक पढ़ते हैं, एपिलिम्नियॉन, थर्मोक्लाइन, हाइपोलिम्नियॉन। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें अदर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार। अदर्शन रीजन के क्वेश्चन में भी क्या दे रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे जरा इसको। कहता है कि पहले मैंने क्या बोला था आपको, रीजन पढ़ना है। कहता है वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। हमने कोई मना ही नहीं किया, बिल्कुल ठीक बात है, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ये सबको पता है बात, आज से नहीं बहुत पहले से पता है। ठीक है,
लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसमें ये किसने कहा कि जो ग्लेशियर लेक्स हैं दे गेट स्ट्रेटिफाइड इस वजह से होती है? उसमें तो बॉन्डिंग का केस रहता है, ठीक है? तो ग्लेशियर लेक्स गेट स्ट्रेटिफाइड ड्यूरिंग विंटर, ये सही बात है, हम मना नहीं कर रहे, ठीक है? ये भी सही बात है कि वाटर की डेंसिटी जो है मैक्सिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों सही है, लेकिन दोनों में कोई लिंक नहीं सेटअप हो रहा, दोनों में कोई लिंक सेटअप नहीं हो रहा, दोनों चीजें अलग अलग है लेकिन दोनों सही है। तो ऐसे में फिर आपके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका बन जाएगा नंबर 2, कि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभी इसको देखते हैं हम, डिटेलिंग थोड़ी सी इसकी करेंगे हम जरूर, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन, ये वाटर पोल्यूशन से लिया, मैंने मेंशन कर दिया, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्यों गाइस? देखो ध्यान से, वो अलग एस्पेक्ट है जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दी है। तो वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 4, सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जो वाटर में आपकी इंट्रा मोलिकुलर और इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, विच इंक्रीज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस आता है टेम्परेचर, तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और मॉलिक्यूल और पास आ जाते हैं उनके, तो इसी वजह से डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है बिकॉज वॉल्यूम आपका कम हो जाता है, तो ये इसका रीजन है। बट अबव 4 डिग्री सेल्सियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड लीड्स टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड डेंसिटी डिक्रीज। तो लेक स्ट्रेटिफिकेशन इज टेंडेंसी टू लेक टू फॉर्म द सेपरेट डिस्टिंक्ट थर्मल लेयर्स, जो मैंने आपको बताया था, बिकॉज टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से और नॉट मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट लेयर, है ना, जैसे एपिलिमनियन, थर्मोक्लाइन, हाइपोलिमनियन। टिपिकली स्ट्रेटिफाइड लेक शो 3 डिस्टिंक्ट लेयर, द एपिलिमनियन सबसे ऊपर वाली कंप्राइजिंग ऑफ टॉप वार्म लेयर, एंड द थर्मोक्लाइन जो बीच वाली होती है इसको मेटालिमनियन भी आप कहते हैं, और एक आपकी हाइपोलिमनियन होती है नीचे वाली, ठीक है ना, नीचे वाली हाइपोलिमनियन एक्सटेंडिंग टू द फ्लोर ऑफ द लेक। तो ये लॉजिक जो है, लॉजिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, लॉजिक ये नहीं है कि वो थर्मल लेक जो है स्ट्रेटिफाई होती है इस वजह से ऐसा है, के बारे में थोड़ा ही लिखा है, तो हम करते हैं इसको क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी थोड़ी सी अच्छी इंफॉर्मेशन है, माइट गेट अ कनेक्टेड क्वेश्चन सेकेंड टाइम ऑल्सो फ्रॉम हियर, ठीक है? तो जब लेक्स के ऊपर आप इम्फेसिस करते हो, तो एवरी लेक हैज गेट मैक्सिमम रिजीम दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लेक मॉर्फोमेट्री, इन्वायरमेंटल कंडीशन, अवे चेंजेस टू ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस इन द फॉर्म ऑफ लैंड यूज चेंज, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन द वेदर पैटर्न हैव बीन शोन टू अल्टर द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। उनका टाइम बदला है क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, अराउंड द ग्लोब। राइजिंग इन एयर टेम्परेचर हैव सेम इफेक्ट ऑन द लेक बॉडीज एज फिजिकल शिफ्ट इन जियोग्राफिकल लोकेशन, विद ट्रॉपिकल जोन्स बींग पर्टिकुलरली सेंसिटिव। तो ट्रॉपिकल में भी काफी होता है, पहले ऐसा कहा जाता था कि टेम्परेट में ज्यादा होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे ट्रॉपिकल में भी अभी बढ़ गया है स्ट्रेटिफिकेशन। द चेंजेस कैन फर्दर अल्टर द फिश, जू प्लैंक्टन, फाइटो प्लैंक्टन, जो लोग वहां रहते हैं उनको इम्पैक्ट होगा ही कम्युनिटी पे, कम्युनिटी कंपोजिशन एडिशन इट क्रिएट द ग्रेडियंट दैट अल्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट। ये तो बात आपको पता ही है कि डीओ और न्यूट्रिएंट कंटेंट को ये इम्पैक्ट करता है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू शेयर इट्स डीओ, अपनी लेयर को अपनी लेयर में ही रखेगा डीओ, दूसरे से चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना? आगे आ जाइए। द थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द लेक रेफर्स टू द चेंज इन द टेम्परेचर, डिफरेंट डेप्थ इन द लेक, एंड इट इज ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर वेरिंग विद टेम्परेचर। कोल्ड वाटर इज डेंसर देन द वार्म वाटर, एंड द एपिलिमनियन जनरली कंसिस्ट ऑफ द वाटर दैट इज नॉट एज डेंस एज वाटर इन हाइपोलिमनियन। हाउएवर द टेम्परेचर ऑफ द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज 4 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर रीजन वेयर लेक वाटर वार्म अप एंड कूल्स थ्रू द सीजन, अ साइक्लिक पैटर्न ऑफ ओवरटर्न अकर दैट इज रिपीटेड फ्रॉम द ईयर टू ईयर टू कोल्ड डेंस वाटर एट द टॉप लेक सिंक, एंड वो नीचे बैठेगा जो कोल्ड वाटर होगा और जो हॉट वाटर होगा ऊपर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द डायमिक्टिक लेक द लेक वाटर टर्न्स ओवर ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड द फॉल, द प्रोसेस अकर मोर स्लोली इन डीप वाटर एंड एज रिजल्ट ऑफ द थर्मल थर्मल बार मे फॉर्म, एंड इफ द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द वाटर लास्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड द लेक इज मीरोमिक्टिक, मतलब बिल्कुल ही स्पीशीज मिलनी बंद हो जाएगी। 3 तरह की लेक भी हमने बताई हुई है पहले आपको कि कौन कौन सी होती है, पॉलीमिक्टिक, डायमिक्टिक, मीरोमिक्टिक, ठीक है, ये अर्ली पैटर्न की वजह से आपकी 3 तरह की लेक होती है। तो यहाँ पे फिर मेंशन भी है आपका कि शेलो लेक्स में किस तरह का पैटर्न होगा और डीप में किस तरह का होगा। तो शेलो लेक स्ट्रेटिफाइड एट एपिलिमनियन, राइट, द शेलो लेक स्ट्रेटिफाइड इनटू एपिलिमनियन, मेटालिमनियन, हाइपोलिमनियन, ऑफर डज नॉट अकर एज विंड और कूलिंग कॉजिंग रेगुलर मिक्सिंग थ्रू आउट द ईयर, एंड दीज लेक्स आर कॉल्ड पॉलीमिक्टिक। इन लेक्स को हम पॉलीमिक्टिक लेक कहते हैं, ठीक है, जो शेलो लेक्स होती हैं।
There is no fixed depth that separate polymictic and stratifying lake. Apart from the depth, this is also influenced by turbidity, lake surface area, climate. ये सारे पैरामीटर है जो इम्पैक्ट करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन में. द लेक मिक्सिंग रिजीम पॉलीमिक्टिक डायमेक्टिक मीरोमेक्टिक डिस्क्राइब द ईयरली पैटर्न ऑफ द लेक स्ट्रेटिफिकेशन दैट अकर इन मोस्ट ईयर्स. हाउएवर शॉर्ट टर्म इवेंट्स कैन इन्फ्लुएंस द लेक स्ट्रेटिफिकेशन एज वेल. हीट वेव जो आपकी आजकल बहुत कॉमन हो गई है आफ्टर द क्लाइमेट चेंज. हीट वेव कैन कॉज पीरियड्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन अदरवाइज मिक्स शेलो लेक्स. वाइल मिक्सिंग इवेंट सच एज स्टॉर्म्स और लार्ज रिवर डिस्चार्ज कैन ब्रेक डाउन स्ट्रेटिफिकेशन. रिसेंट रिसर्च सजेस्टेड दैट सीजनली आइस कवर्ड डायमेक्टिक लेक मे बी डिस्क्राइब्ड एज क्रायो स्ट्रेटिफाइड. क्रायो तो आपको पता ही है एट लो टेम्परेचर, और क्रायोमिक्टिक लेक एक नई लेक निकल के आई है. ठीक है, क्रायोमिक्टिक अकॉर्डिंग टू देयर विंटर टाइम स्ट्रेटिफिकेशन रिजीम एंड क्रायो स्ट्रेटिफाइड लेक्स एग्जिबिट इनवर्स स्ट्रेटिफिकेशन नियर द आइस सर्फेस एंड हैव डेप्थ एवरेज टेम्परेचर नियर 4, वाइल क्रायोमिक्टिक लेक्स हैव नो अंडर आइस थर्मोक्लाइन एंड हैव डेप्थ एवरेज विंटर टेम्परेचर क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये एक नई बात है जो क्रायोमिक्टिक लेक के ऊपर काम चल रहा है आपका रिसेंट, की ऐसा भी ऑब्जर्व हुआ है कुछ लेक्स में और उनके पैटर्न में कि भाई इसमें आपका थर्मोक्लाइन ही गायब है, बीच की लेयर ही गायब है. ठीक है, और टेम्परेचर अराउंड 0 के आसपास है. तो वो तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन का इशू है, दोस पीपल हु आर डूइंग रिसर्च इन लेक स्ट्रेटिफिकेशन, बट स्टिल यू शुड हैव सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कुछ नया आता है इस तरह का. तो इसमें आपको फिर सीधा पता चल जाएगा कि दोनों में कोई लिंक नहीं था. जो लिंक था वो हाइड्रोजन बॉन्ड का था. हम ये नहीं कह सकते कि ग्लेशियर लेक स्ट्रेटिफाई इस वजह से होती है कि डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे, कोई कोरिलेशन नहीं. ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से लेक स्ट्रेटिफाई होती है बिकॉज डिफरेंट लेयर हैव डिफरेंट डेंसिटी, राइट? दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, डू नॉट शेयर देयर डीओ विद ईच अदर, दैट्स व्हाई दे गेट मिक्स. तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर आपको आएगा वो 2 आएगा. क्लियर है सबको? जल्दी बताओ फटाफट से भाई, अगर कोई डाउट है तो हमें बता दें वरना हम आगे चलें. जल्दी से बताइए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 42. क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कोई बताता नहीं है चीजें, ठीक है, लिखने के बावजूद भी कि क्यों हमने बेटा इसको लिखा या क्या सेंस है इसका लिखने का, व्हाट यू हैव टू डेसिफर फ्रॉम इट, वो बहुत जरूरी है. ऐसे ब्ला 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 कुछ भी लिखेंगे तो उसका लॉजिक नहीं है. नेक्स्ट, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से लिया गया, 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में चार्ट बना हुआ है. ठीक है, और जो ज्योग्राफी के बच्चे थे उनको फायदा मिला होगा यहाँ पे, नो डाउट. बट ऐसा नहीं है कि आप इसको डेसिफर नहीं कर सकते. जो इन्वायरमेंट में भी ठीक ठाक से पैटर्न से पढ़ते हैं, जिनको पता है कि कैसा है, वो उन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिया. ठीक है, तो इसमें हमने पहले क्या है कि सारे सिंबल लगाए हैं. आप चल के देखिए नीचे पहले सिंबल, जो क्वेश्चन नंबर 42 में, कि कौन कौन से सिंबल आपको याद रखने ही है कि फ्यूचर में उससे क्वेश्चन आ सकता है जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं तो यहाँ पे वेदर पैटर्न है, वेदर पैरामीटर, और जो फोरकास्टिंग होती है वेदर की, जो मौसम विभाग आपका देता है वेदर फोरकास्टिंग, उसमें वेदर का क्या सिंबल है, किस तरह के वेदर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, वो आपको बस पिक करना था. यहाँ पे चार चीजें इन्होंने पूछी थी, लेकिन मैं आपको पूरी लिस्टिंग करके दे रहा हूँ. अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी प्योर एयर है, इस तरह का सिंबल बना होगा, जीरो टाइप का. ठीक है, अगर आपकी थोड़ी सी हेजी एयर है, कलर ले लेते हैं, कोई कलर करना जरूरी है इसको. अच्छा, अगर आपकी प्योर एयर है, इस तरह का सिंबल बनेगा, जीरो टाइप का. अगर आपकी थोड़ी सी हेजी एयर है गाइस, तो इन्फिनिटी का सिंबल बनेगा. मिस्ट को डबल लाइन से शो करेंगे हॉरिजॉन्टल, है ना. जो फॉग होगी, जब वेलोसिटी आपकी लेस देन 1 किलोमीटर पर आवर होगी, तब हम ऐसे नोट करेंगे 3 लाइनें. शेलो फॉग को 3 लाइनें थिक ओनली, ग्राउंड फॉग को भी 3 लाइनें थिक, थर्ड लाइन थिक, है ना. फ्रॉस्ट फॉग को बीच वाली लाइन पे 2 डॉट, ड्रिजल में हल्का सा 1 डॉट. ठीक है ना. उसके बाद नीचे वाले आप देखिए, वो भी दिखाए हुए हैं, रेन में एक हल्का सा डॉट, जस्ट अ मिनट, ड्रिजल में एक हल्का सा डॉट. ठीक है, उसके बाद रेन में ये, फिर स्नो में आपका देखिए ध्यान से, स्नो में एक स्टार लगाएंगे, जैसे इंपॉर्टेंट का स्टार लगाते हैं ना. ठीक है, उसके बाद स्लीट जो होती है उसमें इस तरह का सिंबल, ग्रेनुअल स्नो का इस तरह का, ग्रेन ऑफ आइस ऐसे, है ना, शावर ऑफ रेन जो है आइस निडल्स ऐसे, शावर ऑफ रेन, रिवर्स ट्राइंगल विद अ डॉट अबव इट. तो ये सारे सिंबल आपको थोड़े से ध्यान रख के जाने. ठीक है, और इसमें भी कॉमन कॉमन जो आप जनरली ऑब्जर्व करते हो, रेयर कंडीशंस नहीं पूछता वो. ठीक है ना, जैसे ये पूछ लिया आपसे, क्या कहते हैं इसको, हाँ,
ब्लोइंग स्नो किस तरह की होती है ना? तो ये दो एरो लगे हुए, ड्रिफ्टिंग स्नो या हिंजप, जो उड़ता हुआ बर्फ होता है ना? ड्रिफ्टिंग स्नो नियर द ग्राउंड, इस तरह का एरो लगेगा उसके अंदर। हेल स्ट्रॉम सॉलिड होंगे, स्मॉल हेल छोटे ओले पड़ेंगे तो ऐसे होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ये वैसे तो क्वेश्चन, हाँ जी, ड्रिजलिंग में कॉमा है थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, ड्रिजलिंग में कॉमा है, कॉमा ये रहा। रेन में एक डॉट है, ठीक है? कोई कोई दो डॉट भी दिखा देता है, रेन में थोड़ी ज्यादा हो रही होती है तो, ठीक है? ये कॉमन चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? लाइट रेन, हैवी रेन का क्या है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको आइस पैलेट स्लीट क्या होती है, शॉवर ऑफ हेल, ठीक है? जो शॉवर ऑफ हेल होगी उसका क्या होगा, ठीक है ना? वो ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा हाँ, बाकी ज्यादा नहीं, मुझे लगता है सनशाइन का पता होना चाहिए। सनशाइन भी कभी पूछ लेते हैं आपसे कि सनशाइन कैसा होता है, क्योंकि तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं। सनशाइन का इस तरह का होता है, ध्यान रखना आपको, है ना? बस यही आपको थोड़ा सा देखना था इसके अंदर, बाकी तो सिंपल ही था। बाकी इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि आप अटकते तो आप जाएंगे। और ये सीधा एनसीईआरटी में मेंशन है, ये 11th 12th की एनसीईआरटी है पूरी। ज्योग्राफी की अगर आप देखोगे ना, खोल के आपको मिलेगा, एक चैप्टर है इसके ऊपर। तो आप जाइए ऊपर, आप आराम से इसको कर पाएंगे क्वेश्चन को डील। इसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, पर ये है कि थोड़े से अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये इन्वायरमेंट वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता एमएससी में भी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली। हाँ, किसी का अपना इंटरेस्ट हो वेदर को लेके, एंड ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड एवरीथिंग, तो फिर आप पकड़ सकते हो उस तरह के क्वेश्चन को। तो पहला, अगर हम लाइट रेन की बात करें, तो लाइट रेन में एक डॉट या इस तरह का सिंबल था, वो लाइट रेन तो आपका चला जाएगा बॉस। ये दो डॉट जो बनी हुई है, ये हो गया। ये भी इसमें एक अच्छा हिंट था कि ए का 3 एक ही जगह पे है, और अगर किसी को रेन भी पता होता तो ये पूरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाता। तो अगर आपको सिर्फ रेन का भी सिंबल पता था ना गाइस, तो भी आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाता, क्योंकि एक ही चॉइस के अंदर ए थर्ड है, बाकी किसी में ए थर्ड नहीं है, जो मैंने आपको बताया। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन पकड़ो, अगर आप 200% श्योर हो कि ये रेन का होता ही होता है, तो आपको दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप टाइम खराब कर रहे हो उसका मतलब, ठीक है? बस ये चेक कर लो कि कौन किससे मैच कर रहा है, दिमाग मत लगाओ उस पर उस समय। हाँ, जब आपको लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है, देन बी आपका आइस पैलेट हो गया। आइस पैलेट की जब आप बात करोगे, तो आप देख सकते हो, तो इस तरह का आइस पैलेट में सिंबल होता है, ट्राइंगल में सिंगल डॉट। सी आपका हो गया शावर ऑफ हेल, ओले पड़ रहे हैं, ठीक है? तो ये इस तरह का होगा, दो उल्टे ट्राइंगल। और चौथा मैंने बताया था आपको, ड्रिफ्टिंग स्नो और ब्लोइंग स्नो, जब बर्फ बह रहा होता है आपका, तो वो पहला हो जाएगा फर्स्ट। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो गया। इसमें बस सिंबल को ध्यान करने वाली बात है, और सिंबल एक बार देख के जरूर जाना। मुझे लगता है कि कई बार वो ये सिंबल ना पूछ के दूसरे सिंबल को आपको टारगेट कर सकता है, जो अगर फ्रेश इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये नए तरह का क्वेश्चन है अपने आप में। आज तक 11 साल में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था वेदर सिंबल का, लेट मी टेल यू, ये नया क्वेश्चन है। आज तक 11-12 साल में इस तरह का ज्योग्राफिकल क्वेश्चन नहीं आया था, कि बिल्कुल ही प्योर ज्योग्राफी टाइप क्वेश्चन है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए ऐसी चीजों से, क्योंकि टीचर को ये चीज अलग दिखती है थोड़ी। बच्चे को ये भी पता होना चाहिए, उसको वेदर फोरकास्ट भी पता होना चाहिए। तो ऐसी जगहों पे आपको बहुत सेंसिटिव रहना है, जो नई चीज निकल के आती है ना, तो उससे कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश होती है अगले अटेम्प्ट में। क्लियर है सबको? 43, जल्दी बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? सिंबल याद करने, देख के या बना के देख लेना एक बार, ठीक है ना? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। अरे भैया, मैंने कहा ना, ये वांगरी मथाई का कोई प्रेमी बैठा हुआ है पेपर के अंदर। चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आई डोंट सी अ सेंस, ठीक है? किसी को बहुत ज्यादा प्रेम है वेंगरी मथाई से, या तो उसी के ऊपर कुछ काम किया होगा। बार बार वेंगरी मथाई, बार बार वेंगरी मथाई, ठीक है? चलो, बार लग गया। ये देखो, ये पिछली बार भी आया, उससे पिछली बार भी आया, उससे पिछली बार भी आया, भैया क्या चाहते हो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो हो गया पेट क्वेश्चन, अब ऐसा ना हो दोबारा से इस बार आ जाए किसी उसमें, ठीक है? बट बड़ा सरप्राइज होता है कि आप 4 बार एक ही क्वेश्चन को दिए जा रहे हो, मतलब कम ऑन यार, मतलब इट शुड बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन। बच्चा मास्टर्स का है, पीएचडी का है, बच्चा कोई बीएससी का बच्चा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है गाइस, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कीनिया की एक वुमेन थी, जिन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि सिटीज में ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करना, सिटी की पेरिफरी में। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आप दिल्ली कैंट जाएं धोलाकुआ की साइड, ठीक है, या फिर उधर जाएं आप राजघाट की साइड,
सो रोड साइड पे दोनों तरफ बहुत ट्री आपको मिल जाएंगे लगे हुए, तो स्पेशली दिल्ली कैंट के एरिया में। तो इस तरह का पूरा पेरिफेरी में डेवलप करना इन सम ऑफ द राउंड्स की, एक बाहर वाली रिंग रोड के चारों राउंड पेड़ है, रंदर है, दीज काइंड ऑफ कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय वेंगरी बथाई इन आपका क्या कहते हैं 2004, और इनको इसके लिए नोबेल पीस प्राइज मिला था वेंगरी मथाई को फॉर ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेंगरी मुत्ता मथाई अ केनियन सोशल एनवायरमेंटलिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नोबेल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाज रिलेटेड टू। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के लिए इनको मिला था, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के लिए, ठीक है? तो बस वही मेंशन किया, ये डायरेक्टली आया है आपका बुकलेट 4 में, मेंशन भी आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में है। तो ये ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, तो यहाँ पे हमने उतना ही मेंशन किया है। फिर वैंगरी मुटा मथाई 1 अप्रैल 1940 को इनका जन्म हुआ था, इनिया से ये बिलोंग करती है, ठीक है? एंड वाज केनियन सोशल एनवायरमेंटल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हुज फाउंड ग्रीन बेल्ट मूवमेंट एंड एनवायरमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ इनका है ऑन प्लांटिंग द ट्री एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वुमेन्स राइट। 2004 शी बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू विन द नोबेल पीस प्राइज, और शायद इसलिए कि एक इकलौती है उस एरिया से, 2004 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। पर ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है लगातार, सितंबर में था, मार्च में था, जून में भी था। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है किसी कॉलम की फॉर्म में आ जाए इनके साथ, कुछ और लोगों को भी जगह मिल जाए वेंगरी मथाई के साथ। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 44। आई होप सबको क्लियर होगा ये 44, तो आप पढ़ ही चुके होंगे मुझसे पहले, पहले वाले सोल्यूशनों में मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है वेंगरी मथाई को। क्लियर है सबको 44? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? अरे बता दो भाई, घबराओ मत, बोलो बोलो, 5 दिन है आपके पास अभी बोलने को, छठे दिन मैं बोलूंगा फिर आपसे पूछूंगा कैसा रहा, ठीक है ना? 5 दिन है आपके पास बोलने के लिए, तो बोलो। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दिल से लगा लेना, ये पहली बार देखा गया एनटीए के इतिहास में इस तरह का क्वेश्चन। कोल से किसी को इतना प्यार हो सकता है? तो कोई तो कोल का प्रेमी बैठा हुआ है पैनल में, इसने कोल से इतना प्यार दिखाया कि ये गेट में भी इतनी डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता, पता है आपको? कोल से कोई तो है फॉसिल फ्यूल का दीवाना। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? पिछली बार भी था कोल पे अप्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस पे, उसके बाद ये जून में रिवाइज हुआ। कहता है विच टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, कौन सा टेस्ट इसमें से हमें नहीं चाहिए फॉर इवेल्युएटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोल फॉर कोक मेकिंग। जब कोल से आप कोक बनाते हो, कोक क्या होता है? फाइन पाउडर विच एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जो कोक है उसको मेटलर्जी में हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोल से कोक बना रहे होते हो गाइस, वेन यू आर मेकिंग कोल से कोक, इस प्रोसेस के अंदर कौन सा टेस्ट आपको नहीं करना होता? तो यहाँ पे 4-5 नाम दिए हुए हैं। पहला टेस्ट दिया हुआ है ग्रेकिंग, फिर स्वेलिंग नंबर, तीसरा गिजलर प्लास्टोमेट्रिक टेस्ट, और चौथा रॉक ईवल पायरोलिसिस, ठीक है? तो इनको पहले हम टेस्ट को समझ लेते हैं, क्या क्या बताते हैं कि क्या ये बताते हैं किस तरह की क्वालिटी का कोल है। तो इससे एक भी ये बात इंटरेस्ट है कि जो भी क्वालिटी ऑफ कोल को डिटरमाइन करे वो तो यूज होगा ही, वो तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि कोल की बात हो रही है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कोल को ना डिटरमाइन करे फॉर द कोक मेकिंग, उस टेस्ट को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रे किंग टेस्ट की, ठीक है ना? ग्रे किंग टेस्ट, GKT, जो कोल कंपनीज होती है उनके मैनुअल में इसको GKT के नाम से जाना जाता है ना? तो ग्रे किंग टेस्ट क्या होता है? इट इज द मेथड ऑफ असेसिंग द कोकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कोल। अरे भैया ये तो होगा ही कि कैसा कोक उससे आप बना सकते हो, ठीक है? ये तो होना ही होना है कि कोक बनाने की कैपेसिटी को बताता है ग्रे किंग टेस्ट, कि कितना अच्छा कोक इससे बनेगा। तो 20 ग्राम, इस प्रोटोकॉल में क्या होता है, 20 ग्राम ऑफ कोल इज हीटेड इन द सिलिका ट्यूब ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेम्परेचर, एंड द रेजिडुअल प्रोडक्ट इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सीरीज रेंजिंग फ्रॉम नॉन कोकिंग टाइप ए टू हाईली कोकिंग टाइप जी। मतलब जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ेगा, ए वाला खराब, ए वाला सबसे खराब है, बी वाला उससे अच्छा, सी वाला उससे अच्छा, डी वाला उससे अच्छा, ई वाला उससे अच्छा, एफ वाला उससे अच्छा, जी वाला सबसे अच्छा। तो अगर जी ग्रेड का है कोई तो उसकी तो कुकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको ग्रे किंग टेस्ट कहते हैं। ऑल ऑफ विच हैव द सेम वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोक दैट एक्सपेंड स्वेल ऑन कुकिंग रिसीव अ सबस्क्रिप्ट इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ स्वेलिंग। वहीं से हम डिग्री ऑफ स्वेलिंग निकाल लेते कितना फूलता है।
The purpose of the Gray King Coke test, which is one of the parameter adopted for the international classification of hard coal, देखो ये तो बिल्कुल क्राइटेरिया ही है, by type of the United Nations Economic Commission for Europe, is to assess the caking property, right, of the type of coal or blend of coal by carbonizing under standard condition. ये ध्यान रखना है कि जी ग्रे किंग तो होगा, तो ग्रे किंग तो पास हो गया, ग्रे किंग को तो आप नहीं हटा सकते, तो किंग है, तो किंग को तो रखना ही पड़ेगा, सरकार चलानी पड़ेगी, तो ग्रे किंग टेस्ट तो होता है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के टेस्ट पे। नेक्स्ट टाइप का टेस्ट है स्वेलिंग नंबर, या जिसको आप कहते हो फ्री स्वेलिंग इंडेक्स, के कितना फूलता है आपका कोयला जो है ना, ठीक है, इसको देख लेते हैं ये है कि नहीं, कहीं नंबर है कि नहीं, तो स्वेलिंग नंबर भी कहते हैं इसको, या फिर इसको कहते हैं फ्री स्वेलिंग टेस्ट, ठीक है, कितना आपका ये फूलता है, तो स्वेलिंग नंबर और फ्री स्वेलिंग टेस्ट, इसको देखते हैं ये क्या है। द फ्री स्वेलिंग इंडेक्स, जिसको FSI भी कहते हैं, अगर मैनुअल्स आप पढ़ोगे कोल कंपनीज के, इज यूज टू मेजर अ कोल स्वेलिंग प्रॉपर्टी, की कितना फूलता है आपका कोल, कितना स्वेल होता है, व्हेन हीटेड अंडर प्रिस्क्राइब कंडीशन, जब उसको हीट करते हैं विदाउट फिजिकल रिस्ट्रिक्शन, कोई फिजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। द FSI इज ऑब्टेनिंग बाई हीटिंग द प्रिपेयर सैंपल ऑफ कोल ओवर अ बर्नर एंड कंपेयरिंग द रिजल्टेंट कोक बटन, ठीक है, टू अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड प्रोफाइल, तो हमने रखे हुए हैं कि इतनी स्वेलिंग में अच्छा कोक, इतनी में खराब। द फ्री स्वेलिंग इंडेक्स इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोल, इससे प्लास्टिसिटी पता चलती है हमें कोल की, एंड एज एन इंडिकेटर ऑफ द कोल सुटेबिलिटी फॉर यूज एज अ कुकिंग कोल, कि क्या इसको रिड्यूसिंग एजेंट में आप यूज कर सकते हो। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ऑफ फ्री स्वेलिंग इंडेक्स रेंजिंग फ्रॉम 0, 0 मतलब नो इंक्रीज इन साइज, बिल्कुल नहीं फूलेगा, 9 मतलब बहुत ज्यादा फूलेगा, तो स्वेलिंग ज्यादा किसमें होगी, 9 वाले में मैक्सिमम होगी, 0 वाले में मिनिमम होगी। फ्री स्वेलिंग इंडेक्स इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर कंटेंट, ऑब्वियस सी बात है, मॉइस्चर कंटेंट, वेदरिंग एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ पल्वराइज सैंपल, जो पिसा हुआ सैंपल होता है ना, तो ये आपको ध्यान रखनी है चीजें, क्योंकि ये नई डिस्कवरी है एग्जामिनर की जून में, जो मैं बताऊंगा आपको वो मैं 11 साल के इतिहास से कंपेयर करके बताऊंगा, पहले कभी इतनी डेप्थ में कोल में क्वेश्चन नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक, कि कोल को बिल्कुल ही एकदम टॉप टू बॉटम चेक कर दें, है ना। ये इंजीनियरिंग जो M.Tech इन एनर्जी स्टडीज होता है, उन लोगों से पूछा जाता है, ये MSc वालों के लेवल का कायदे से क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और इस तरह की चीजें, ये M.Tech इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाया जाता है ये सब चीजें, ठीक है। गेट के सिलेबस में भी इससे कम है, जो इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग गेट है, वहां भी इससे कम है, तो आप इमेजिन कर लीजिए उठा के रखा गया इसीलिए कि आगे इसको इस्तेमाल करेंगे, ये इंट्रोड्यूस हो गया, अब कुछ ना कुछ पूछेंगे, अगली बार पूछ देंगे ग्रे किंग टेस्ट किस पैरामीटर को जज करता है। आगे चलते हैं, हम दो टेस्ट और बचे हुए हैं, गिजलर प्लास्टोमेट्रिक टेस्ट, गिजलर GPT, ठीक है, GPT, हाँ जी बोलो बोलो, क्या कह रहे हो कोमल शर्मा, प्रेजेंट टाइम बोलो, अरे आधी बातें मत बोला करो भाई, पूरी बात तो बोलो सर, प्रेजेंट टाइम, इसका क्या मैं मीनिंग जज करूं। प्रेजेंट टाइम में कोल थर्मल पावर प्लांट को फेज आउट करने के लिए कह दिया है NGT ने, ईच एंड एवरी स्टेट इज ट्राइंग टू फेज आउट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पोल्यूटिंग होते हैं, बट स्टिल देर आर थर्मल पावर प्लांट जहां चल रहे हैं, जो नहीं जी, थर्मल पावर प्लांट को NGT ने फेज आउट करने का ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, बिकॉज दे आर रियली हैजार्डस, तो स्टेट बाई स्टेट दे आर ट्राइंग कि जितना हो सके हम फेज आउट करें थर्मल पावर प्लांट को, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो क्वेश्चंस को बढ़ाने की बात होती है, डीपनेस को, तो ऐसा कुछ नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट ज्यादा यूज हो रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट पहले ज्यादा यूज होते थे, अब कम हो रहे हैं। थर्ड इज द गिजलर्स प्लास्टोमेट्रिक टेस्ट, ये क्या होता है, GPT, चैट GPT नहीं है ये, गिजलर प्लास्टोमेट्रिक टेस्ट है। इन दिस टेस्ट 5 ग्राम ऑफ कोल -40 का मैश साइज, जो छन्नी होती है ना, उससे निकालते हैं। प्रिपेयर्ड कोल इज पैक्ड इनटू अ क्रूसिबल विद अ स्टरर व्हिच इज इनसाइड अ रेटोर्ट बैरल्स असेंबली, अ कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड, उसको घुमाते रहते हैं है ना, और 3 डिग्री सेल्सियस पे पर मिनट टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं। एज द कोल सॉफ्टन द स्टरर बिगिन टू टर्न, द मैक्सिमम फ्लूडिटी वैल्यू इज एक्सप्रेस इन द डायल डिविजन पर मिनट
ऑफ द स्टेलर रोटेशन इन जनरल फॉर इंडिविजुअल कोल द हाइएस्ट डीडीपीएम डायल डिवीजन पर मिनट वैल्यू पॉसिबल इज मोस्ट डिजायरेबल। हाई वोलेटाइल जिसके अंदर होंगे उसकी -5,000 आएगी टू मोर देन 30,000 DDPPM। मीडियम वोलेटाइल होंगे अगर कम वोलेटाइल है तो less than 200 आएगी से 20,000 DDPM, और लो वोलेटाइल है तो -20 से 1,000। तो ये ध्यान देना आपको कि हाई वोलेटाइल के लिए -5,000 से मोर देन 30,000 तक वैल्यू जाती है डीडीपीएम की डायल डिविजन पर मिनट, और मीडियम वोलेटाइल कंपाउंड होंगे उसके अंदर तो 200 से 20,000, और अगर लो होंगे तो -20 से 1,000। तो ये भी कोल की क्वालिटी को जज करता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? कितना थिन होगा वो पिसने के बाद, दैट इज सीन देयर। अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? हाइड्रो पावर अल्टरनेटिव है डियर, सोलर अल्टरनेटिव है, विंड पावर अल्टरनेटिव है, ठीक है, MHD अल्टरनेटिव है, न्यूक्लियर पावर बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है, ये सारे अल्टरनेटिव, ठीक है, ये सब अल्टरनेटिव चल रहे हैं अभी थर्मल के जो यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है, आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाइड्रो पावर बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेस्ट इज रॉक एवल पायरोलिसिस। रॉक एवल पायरोलिसिस पहले तो नाम से क्लियर करो, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस क्या होता है? हीटिंग समथिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। पायरोलिसिस पे हर बार एक क्वेश्चन आता है, छोटा है चाहे बड़ा है, ठीक है, पायरोलिसिस इंसुलेशन पे। ये क्या होता है रॉक एवल पायरोलिसिस में? व्हाट यू डू एक्चुअली इन रॉक एवल पायरोलिसिस, अ सैंपल इज प्लेस इन अ वेसल एंड इज प्रोग्रेसिवली हीटेड टू टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस अंडर एन इनर्ट एटमोसफेयर। इनर्ट मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। ड्यूरिंग द एनालिसिस द हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सैंपल आर वोलेटलाइज, वो उड़ जाएंगे। एट अ मॉडरेट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड एज अ पीक नोन एज S1, पहली जो पीक होगी वो लेंगे। नेक्स्ट पायरोलाइज इज द कैरोजन, कैरोजन पे क्वेश्चन आया था ना, प्रेजेंट इन द सैंपल विच जनरेट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन लाइक कंपाउंड्स रिकॉर्डेड एज S2, दूसरी कैरोजन की पीक होगी। CO2 एंड वाटर ये रहेंगे वहां पे। द CO2 जनरेटेड इज रिकॉर्डेड एज S3 पीक, है ना। रेजिडुअल कार्बन इज ऑल्सो मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड S4। तो चार कंपोनेंट है, ये किस लिए होता है ये हम डिटरमाइन करते हैं। क्या S1 में क्या आएगा? हाइड्रोकार्बन की पीक आएगी। S2 में क्या आएगा? हाँ, S2 में कैरोजन, ठीक है। S3 में क्या आएगा? CO2। और S4 में क्या आएगा? जो रेजिडुअल कार्बन है। तो मुझे कोक बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है, ये उसमें फिट नहीं बैठता। ये तो बेसिकली उसका एनालिसिस कर रहा है कि कोल से क्या क्या निकलता है, ठीक है। वंस यू पायरोलाइज द कोल व्हाट थिंग्स कम्स आउट? नंबर 1 आपके हाइड्रोकार्बन आते हैं जो S1 पीक में दिखते हैं। नंबर 2 पे कैरोजन्स आते हैं जो हमने पढ़े थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नंबर 3 पे आपकी CO2 आती है, ठीक है ना। CO2 आती है, और S4 पे आपके आते हैं रेजिडुअल कार्बन। नंबर 3 पे क्लियर है? तो इसको छोड़ दे, ये नहीं काम करेगा, बाकी सारे कोक बनाने में हेल्प करेंगे, ये नहीं करेगा, ये नहीं। तो इसीलिए आंसर भी यही है, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा ऐसा टेस्ट है जो अप्लाई नहीं होता व्हेन वी मेक फ्रॉम कोल टू कोक। तो रॉक एवल पायरोलिसिस इज नॉट फॉर दैट। रॉक एवल पायरोलिसिस बस इसलिए होता है कि व्हाट कंपाउंड्स कम्स आउट व्हेन वी डू द पायरोलिसिस ऑफ कोल, इसीलिए हम कहते हैं रॉक एवल पायरोलिसिस। सबको क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 45 जल्दी बोलो।